फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए अभिषेक राज को और बेल आइकन को भी प्रेस। नमस्कार, मैं अभिषेक राज। आज हम बात करने वाले हैं सेल इंडिया के बारे में। सेल एक महारत्न कंपनी आप जानते होंगे। इसमें नोटिफिकेशन जारी किया गया है बहुत सारे पोस्ट के लिए, जो कि आईटीआई और डिप्लोमा के लिए परमानेंट जॉब है, बहुत बेहतरीन जॉब है। इसके लिए सेल इंडिया ने बोकारो स्टील प्लांट में आईटीआई और डिप्लोमा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। चलिए इसके बारे में हम डिटेल्स में हम बात करेंगे। बहुत सारे फैसिलिटी है, बहुत सारे टर्म कंडीशन है, और कैसे एग्जाम देना होगा, किस तरह से फॉर्म अप्लाई करना है, कितने पोस्ट है, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप सेल इंडिया का तैयारी करना चाहते हैं, बोकारो स्टील प्लांट का तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरा कोचिंग इजी वे ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि पटना में है। और 2 तारीख से इसका पहला बैच स्टार्ट हो रहा है। स्पेशल बैच है सेल इंडिया का, CITS का, और जितने भी PSU है उनके लिए। तो आप आकर इजी वे कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए, और दूसरी चीज़ है कि अगर आप मेरे फेसबुक ग्रुप में नहीं है तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ 7500 से ज़्यादा बच्चे हैं जो आपस में डिस्कस करते हैं बहुत सारे जॉब को लेकर, बहुत सारे प्राइवेट कंपनियों को वहाँ पे जॉब पोस्ट करते हैं, तो आप वहाँ ज्वाइन करके अपना करियर को एक नए ग्रोथ दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेल इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले आपको गूगल आएंगे और यहाँ गूगल में सर्च करेंगे SAILCARERS.com। ये डालने के बाद ये पेज खुलेगा। इस पेज पर आएंगे तो बहुत सारे आपको दिख रहे होंगे फोटोज। तो यहाँ पर नीचे आएंगे जॉब ओपनिंग में, और यहाँ पर आप आज देख रहे होंगे, उसमें आने के बाद यहाँ पे बोकारो स्टील प्लांट के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑपरेटर कम टेक्नीशियन। यहाँ पे इस नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। इसको हम चेक करेंगे, देखेंगे इसमें, क्योंकि यही नोटिफिकेशन जिसको जारी किया गया आज 29 तारीख को। चलिए इसे डाउनलोड करते हैं और पूरे डिटेल्स में इसको हम जानते हैं। ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है और इसके विषय में हम बात करेंगे। यहाँ पर जो डेट दिख रहा है 29/1/2019, मतलब आज 29 तारीख को ये नोटिफिकेशन आज ही जारी किया गया है। और इसमें हम बात करेंगे, ये कंपनी के बारे में कुछ दे रखा है, तो चलिए हम सीधे चलते हैं इसमें पोस्ट के बारे में। पोस्ट क्या है, तो जो पहला है पोस्ट ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग S3, 95 पोस्ट है और ये फॉर बोकारो स्टील प्लांट के लिए है। तो यहाँ पर देखेंगे डिप्लोमा के लिए ये, इसके बाद ITI के लिए आएगा। तो डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल के लिए 20 है और मैकेनिकल के लिए 25 है, मेट्रोलॉजी के लिए 35 है, केमिकल के लिए 5 है और सिरेमिक्स के लिए 5 है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 5 है। टोटल 95 पोस्ट है। इसमें कुछ रिजर्वेशन भी है, अनरिजर्व के लिए 46 है और SC ST के लिए यहाँ पर दे रखा है अलग अलग कॉलम में, तो आप देख सकते हैं इसे। नेक्स्ट हम बात करेंगे बी, जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर के लिए S3 पोस्ट का नाम है और 10 इसमें पोस्ट है। इस नंबर ऑफ पोस्ट की संख्या 10 है, चलिए, और टोटल भी 10 है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे सी, जो पोस्ट है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी, और इसमें जो पोस्ट है इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे अच्छी पोस्ट है इसमें, 121 पोस्ट है नंबर ऑफ, और इसमें अनरिजर्व 37 है। तो इस पोस्ट के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे कि क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या चाहिए और किस तरह से इसमें अप्लाई करना होगा। सी वाला है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी। इसके बाद हम बात करेंगे डी, इसमें अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी ITI S1 49 है पोस्ट टोटल, जिसमें इलेक्ट्रीशियन के लिए 12 है, मशीनिस्ट के लिए 8 है, वेल्डर के लिए 7 है, फिटर के लिए 12 है, रिगर के लिए 10 है। और यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन है जो दे रखा है और किस तरह से इसमें रिजर्वेशन फॉलो किया जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए सीधे हम चलते हैं नेक्स्ट, इसके जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है उसके बारे में, एज के बारे में हम बात करते हैं। तो इस कंपनी में जाने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए सबसे पहले आपको एज देखना होगा कि इस लिमिट के अंदर में आपका एज होना चाहिए। जैसे कि जो पहला है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए, इसमें 28 साल होना चाहिए अपर लिमिट, जो मैक्सिमम एज आपका 28 साल से कम होना चाहिए। इसके बाद ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर के लिए 30 साल से कम होना चाहिए, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए 28 साल से कम होना चाहिए, और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी ITI के लिए 28 साल से कम होना चाहिए। ये जनरल कैटेगरी का एज लिमिट दिया हुआ है अनरिजर्व वाले का, और ये इसमें जो छूट मिलता है एज में उसके लिए यहाँ पर दे रखा है। पहला 5 साल छूट मिलेगा SC ST जो कैंडिडेट है उनके लिए, 3 साल मिलेगा OBC के लिए, जो नॉन क्लीमिलियर है उनको मिलेगा, और इस तरीके से इसमें एज में भी छूट दिया जाएगा। और कुछ जो भारत और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग तो छूट मिलेगा ही। इसके बाद जो डोमिसाइल ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर है, जो 1/1/1980 से लेकर 31/12/1989 के बीच में वहाँ पे ये डेट वाले हैं जिनका जन्म हुआ है, उनको 5 साल का एज में छूट दिया जाएगा। इस तरह से इसमें छूट का प्रावधान है और इसमें जो सेल एम्प्लॉय है उनको भी एज में छूट दिया जाएगा। अब चलते हैं, हम बात करते हैं
क्वालिफिकेशन के बारे में, इससे क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। तो पहला जो है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें मैट्रिक पास होना चाहिए और 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। और 3 साल का जो डिप्लोमा है तो जो लेटर एंट्री वाले हैं उनको भी यहाँ पे अप्लाई करने का मौका मिलेगा। कुछ लोग लेटर एंट्री को डिप्लोमा में नहीं मानते लेकिन ये गलत है। लेटर एंट्री से है लेकिन रेगुलर कोर्स की आप 2 साल का और 1 साल लेटर एंट्री से छूट मिला हुआ तो आप भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो पोस्ट है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मेट्रोलॉजी केमिकल सिरेमिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए तो जो डिप्लोमा की है वो इसमें अप्लाई करेंगे। इसके बाद दूसरा नंबर पे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जिसमें मैट्रिकुलेशन होना चाहिए मतलब 10वीं पास है और इसके साथ 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा किए हैं इंजीनियरिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से विथ फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट ऑफ बॉयलर कॉम्पिटेंसी। फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट बॉयलर में चाहिए और डिप्लोमा चाहिए इसमें। बॉयलर का एक कोर्स होता है उसमें तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, इसमें अच्छा खासा पोस्ट दिया हुआ है 121 पोस्ट है इसमें। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए चलिए हम आपको बताते हैं। पहला चीज़ है कि आपका मैट्रिक पास हो आप ठीक, और इसके साथ ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट जो ITI का होता है कंडक्टेड बाय द NCVT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंप्लीटिंग दिस स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एज द ट्रेड अप्रेंटिसशिप इन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। आपने ITI किया है किसी भी ट्रेड से, इसमें ट्रेड मेंशन नहीं है, इसके साथ आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है किसी स्टील प्लांट से तो इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अप्रेंटिसशिप के लिए कितना वैल्यू दे रहा है, मतलब अप्रेंटिसशिप किए हैं वो भी किसी स्टील प्लांट से जैसे सेल हो गया और बिजाग भी है और इसके अलावा बहुत सारे जो स्टील प्लांट की कंपनियाँ हैं उसमें अगर आपने ट्रेनिंग किया अप्रेंटिसशिप किया और ITI किया है और उसके साथ अप्रेंटिसशिप किया तो अब इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तीसरा नंबर में 121 पोस्ट है जिसमें बहुत सारे कम फॉर्म जाएंगे क्योंकि सारे लड़के स्टील प्लांट से अप्रेंटिसशिप नहीं करते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पे अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग ITI के लिए है और इसमें मैट्रिक के साथ साथ ITI होना चाहिए और जो ट्रेड दे रखा है यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन है मशीनिस्ट है वेल्डर है फिटर है रीगर है ट्रेड इत्यादि इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें बहुत सारे जो पोस्ट के लिए दे रखा है किसमें रिजर्वेशन है किसमें क्या होना चाहिए उसके लिए यहाँ पर हम बात करते हैं। तो चलिए सीरियल नंबर 1 और 2 की बात करेंगे अर्न रिजर्व और OBC के लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए एक्सपीरियंस जो मेंशन किया गया सीरियल नंबर 1 से 2 में वो 50% मार्क्स होना चाहिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग में। 50% से कम है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वहीं SC ST के लिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रखा है वो 40% मार्क्स होना चाहिए उनका इंजीनियरिंग का तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और इसी तरह यहाँ पे सीरियल नंबर 1 और 2 विथ 50% मार्क्स इन डिप्लोमा इंजीनियरिंग सेल ओनली बी एलिजिबल टू अप्लाई PWD। हाँ, और PWD के लिए भी यहाँ पे छूट मिलेगा उनको 40% ही चाहिए डिप्लोमा में। और इसी तरह आप इसको समझ सकते हैं देख सकते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं। हम फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड में दे रखा है कि जो हाइट होनी चाहिए मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर बात किया है तो जो हाइट है वो मेल के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वेट की बात करें तो 45 kg जो मेल का होना चाहिए और 35 kg फीमेल का होना चाहिए, ये मिनिमम वेट है इतना रहता ही है सबका वेट। और इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे है सिलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। सर सिलेक्शन के लिए हम बात करें तो यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन होगा और ये इस रिटर्न एग्जामिनेशन में आपको 50% नंबर लाना अनिवार्य है जो जनरल कैटेगरी अनरिजर्व वाले हैं जो जनरल में उनको 50% नंबर लाना है और जो SC ST OBC से हैं उनको 40% नंबर लाना होगा तभी इसको आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जो ITI के उनको। तो स्किल टेस्ट के लिए केवल जो बुलाने का रेशियो है वो 1:3 रहेगा, एक पोस्ट के लिए 3 लोगों को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। और स्किल टेस्ट केवल पासिंग नेचर का होगा, केवल पास करना, उसके लिए अलग से कोई नंबर नहीं होगा। स्किल टेस्ट पास कर लेते हैं इसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो मैंने आपका एग्जाम पास करना है 50% से ज़्यादा होना चाहिए, अगर SC ST OBC से हैं तो आपको 40% से ज़्यादा नंबर होना चाहिए, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, इससे ज़्यादा है तो कट ऑफ आएगा, तो कट ऑफ के अनुसार इससे कट ऑफ हाई ही रहेगा। तो ये आपका हो गया, इसके बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और जिसका स्किल टेस्ट के बाद आप क्वालिफाई करते हो तो आपको मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पर दे रखा है कि 1 साल आपको ऐसे एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा जाएगा, इसके बाद आपको सेकंड से अगले साल से अगर आप सही से ट्रेनिंग करते हैं तो आपको परमानेंट के तौर पे रखा जाएगा ट्रेनिंग। और ये ट्रेनिंग का जो पीरियड रहेगा 2 साल का रहेगा, पहला तो ऐसे ही रखेगा
पहला साल कॉन्ट्रैक्ट पे, दूसरा साल परमानेंट पर रखेगा लेकिन ट्रेनिंग पीरियड नहीं रहेगा, और तीसरे साल से आपका परमानेंट करेगा और फुल पे स्केल आपको मिलेगा। तो इससे ये है कि आपको अच्छे से रहना होगा, बिहेवियर सही रखना होगा, पंचुअलिटी रखनी होगी, तभी आप इसमें आगे बेहतरीन कर पाएंगे। इसमें जो पे स्केल की बात करें तो इसमें दे रखा है कि जो पहले ईयर है उसके लिए आपको 10,700 मिलेगा और अगले ईयर के लिए 12,200 रुपये मिलेंगे। इस तरह से यहाँ पे दे रखा है, आप अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग, अपने क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे अप्लीकेशन फ़ी का। तो अप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो इसमें जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की ट्रेनिंग है तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए है यहाँ पे, और अप्लीकेशन फ़ी इसका 250 रुपया है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर के लिए यहाँ पे जनरल ओबीसी के लिए 250 रुपया है, और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए जनरल ओबीसी के लिए 150 रुपये हैं। और यहाँ पे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईएसएम एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट आर एक्सटेम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ अप्लीकेशन फ़ी, उनके लिए फ़ी नहीं है, नहीं देना है। जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी है या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनको फ़ी में छूट दिया गया, उनको कोई फ़ी नहीं देना है। अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में हम बता दिए कि जो सेल का वेबसाइट है www.sell.com.co.in पर जाकर वहाँ पर लिंक मिलेगा अप्लाई फॉर इसमें, और उस पर क्लिक करके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आज अभी नहीं आया लिंक, इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ लिंक के बारे में। आप जाइएगा, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो लिंक वहाँ पर अवेलेबल होगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ऐसा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, डायरेक्टली आप वहाँ पहुँच सकते हैं। फोटो और साइन भी अपलोड करना है तो उसको भी ध्यान में रखना है आपको, और यहाँ पर जो साइज़ है 500 KB से कम होना चाहिए, और इसके बाद आप उसे अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए, ये इस तरह से इसमें अप्लाई करना है, और इसका तैयारी करना चाहते हैं तो इजी वे कोचिंग आपका इंतज़ार कर रहा है, आप आइए और तैयारी कर सकते हैं अपना अच्छे से। और बहुत बेहतरीन पोस्ट है, पीएसयू का नौकरी है, बहुत लाजवाब नौकरी होती है, हर कोई चाहता है कि सीट आए और इसका तैयारी करे। बहुत लोग सोचते रह जाते हैं और लगातार वैकेंसी आती रहती है, आप इजी वे कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना था, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे आपसे एक नए वैकेंसी, एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।